ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है परमात्मा प्रत्यक्षता, पार्ट 4। द्वितीय अध्याय। प्रत्यक्षता करने के लिए सूक्ष्म तैयारी। टॉपिक है अनादि गुण। निराकार ज्ञान सागर शिव बाबा परम शिक्षक बन हमें ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये चार प्रमुख विषय सिखा रहे हैं। उन शिक्षाओं के आधार से अभी हम स्व उन्नति कैसे कर सकेंगे यह देखा। परमात्मा से प्राप्त अनादि गुण, आदि गुण, सर्व शक्तियां आदि के अध्ययन से प्रत्यक्षता करने के लिए हमें स्वयं की तैयारी कैसी करनी है यह अभी देखेंगे। अनादि स्वरूप में हम आत्माओं के अंदर सात अनादि गुण अपनी अपनी हिसाब से पूरी मात्रा में होते हैं। वे गुण हैं ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियाँ। उसके बाद ड्रामा के आदि काल में हमारे अंदर के आदि गुण इमर्ज होते हैं। वही हम देवताओं के दैवी गुण है। वे प्रमुख है पवित्रता, सहनशीलता, अंतर्मुखता, हर्षित मुखता, मधुरता, निर्भयता, नम्रता और धैर्यता। उसके साथ हमारी मुख्य अष्ट शक्तियां हैं सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति और समेटने की शक्ति। अभी हम इन सर्व गुणों और शक्तियों को ज्ञान योग बल से परम पिता से कैसे प्राप्त कर सकते हैं और उनके आधार से प्रत्यक्षता करने के लिए अपनी सूक्ष्म तैयारी कैसे कर सकते हैं इसकी चर्चा करेंगे। सब टॉपिक है ज्ञान। ज्ञान का महत्व, ज्ञान से प्राप्तियां और स्व उन्नति करके तथा भविष्य प्रालब्ध प्राप्त करके ज्ञान योग बल से प्रत्यक्षता के लिए अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं यह काफी चर्चा पहले अध्याय में की गई है। सब टॉपिक है पवित्रता। पतित पावन शिव बाबा ने इस धरा पर अवतरित होते ही हम बच्चों को समझाया कि बच्चे तुम्हारे लिए सुख, शांति, पवित्रता की स्वर्ग की नई दुनिया स्थापन करने के लिए इस धरा पर मैं आया हुआ हूँ। इसलिए प्रथमतः तुम्हें ब्राह्मण अर्थात संपूर्ण पवित्र योगी बनना है। पवित्रता के आधार से ही तुम श्रीमत पर स्वयं का संपूर्ण परिवर्तन कर पुरानी तमोप्रधान भ्रष्टाचारी दुनिया का परिवर्तन स्वर्ग की नई सतोप्रधान श्रेष्ठाचारी दुनिया में कर सकते हो। इसलिए अभी तुम्हारे जीवन में पवित्रता अति महत्व की है। संपूर्ण पवित्रता क्या है? पवित्रता का सागर शिव बाबा ने हमें ये भी सिखाया है कि पवित्रता अर्थात
संपूर्ण ब्रह्मचारी वे अपने संकल्प वचन कर्म में सदा अखंड अभंग ब्रह्मचर्य का व्रत रखते हैं। ब्रह्मचारी का अर्थ है ब्रह्मा बाप समान मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में स्वप्न तक संपूर्ण पवित्रता धारण करने वाले। शिव बाबा ने पवित्रता का अर्थ बहुत सीधा सरल बताया है कि पवित्रता ही मन की स्वच्छता सरलता सच्चाई सफाई स्पष्टता है। शिव बाबा के साथ रहने से ही ये गुण आते हैं। इसलिए पवित्रता अर्थात सदा बाबा के साथ रहना व निराकारी के साथ निराकारी दुनिया में निराकारी बनकर रहना, किसी भी देहधारी के साथ मन बुद्धि नहीं लटकनी चाहिए, सदा बुद्धियों शिव बाबा के साथ। मेरा तो सिर्फ एक शिव बाबा, यही पक्की धारणा संपूर्ण पवित्रता की है। संपूर्ण पवित्रता क्यों? पवित्र दुनिया व स्वर्ग की स्थापना शिव बाबा को हमसे ही करानी है, इसका आधार है पवित्रता। संपूर्ण पवित्र बनने बिगर वाइब्रेशंस द्वारा सूक्ष्म सेवा मनसा सेवा प्रत्यक्षता के समय हम नहीं कर सकते, तथा पवित्र बनने बिगर शिव बाबा के साथ हम वापस घर भी नहीं जा सकते, एवं नई दुनिया में देवता बन दैवी शरीर में अवतरित नहीं हो सकते। इसलिए स्वर्ग में जाने के लिए योग्यता संपन्न बनने अर्थ हमें संपूर्ण पवित्र बनना है। संपूर्ण पवित्र कैसे बने? समय प्रति समय संपूर्ण पवित्रता का सूर्य प्रभु पिता ने पवित्र बनने के लिए युक्तियां बताई है, जैसे कि पहला, सदा आत्मिक स्थिति में रहने से तथा हमेशा आत्मा भाई भाई की दृष्टि रखने से आत्मा में पवित्रता शांति रूहानी प्रेम आदि निजी गुण स्वतः प्रकट होते हैं। दूसरा, याद की यात्रा में रहकर सदा खाते पीते उठते बैठते पतित पावन शिव बाबा के साथ परमधाम में स्थित होने से तथा उनकी पवित्रता की निरंतर वाइब्रेशंस लेने से हम धीरे धीरे संपूर्ण पवित्र बन सकते हैं। तीसरा, हम पांच स्वरूप का अभ्यास करके निरंतर स्वदर्शन चक्र हम घुमाते रहते हैं तो अंदर की बुराइयों की कड़वाहट बुरे अपवित्र संस्कार आहिस्ते आहिस्ते समाप्त होते हैं और सद्योगी भविष्य के सुसंस्कार प्रकट होते हैं, सो पवित्रता के संस्कार बढ़ने लगते हैं। स्वदर्शन चक्र फिराने से सुख शांति की पवित्र वाइब्रेशंस की खुशबू सारे विश्व में फैलती है और हमारे पवित्रता के संस्कार प्रकट होने लगते हैं। चौथा, आत्मा परमात्मा ड्रामा लौकिक अलौकिक परिवार इन सब में पूरा पूरा निश्चय है तो हमारा पुरुषार्थ व्यवहार चलन आदि में सुधार आने लगता है। इससे अपवित्रता संशय मूंछना कम होता है और पवित्रता बढ़ती रहती है।
कर्म और योग का सदा संतुलन रखना, दिनचर्या में समय प्रति समय कर्म करते साकारी आकारी निराकारी बन रूहानी ड्रिल करते रहना, इससे हम पुरानी दुनिया से न्यारे डिटैच होते हैं और पवित्र फरिश्ता बनते हैं। संपूर्ण पवित्रता का महत्व। संपूर्ण पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का, ब्राह्मण समाज का, ब्राह्मण क्षत्रिय धर्म का सर्वश्रेष्ठ आदि सनातन देवी देवता धर्म का और स्वर्ग की स्थापना का आधार है। इसलिए प्रभु पिता ने समझाया है कि पवित्रता संगम युगी ब्राह्मण आत्माओं की सर्वश्रेष्ठ धारणा है, सुंदरता है, श्रेष्ठता है, श्रृंगार है। इस ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण पवित्रता ही एकमेव सत्यता है। संपूर्ण पवित्र बनने बिगर हम ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बन नहीं सकते। इसलिए पवित्रता का महत्व जानकर हमें संपूर्ण पवित्र बनना ही है। तो हम अंतिम हाहाकार के समय विश्व परिवर्तन के कार्य में परमात्मा के मददगार बनेंगे और सर्वत्र परमात्मा की जय जयकार होगी। अपवित्रता क्या है? पतित पावन ज्ञान सूर्य शिव बाबा की श्रीमत के अनुसार अपवित्रता क्या है, यह विषय हम समझ सकेंगे तो यह समझ भी स्वयं को पवित्र बनाने में मदद करेगी, क्योंकि ज्ञान में आने के पहले भक्ति मार्ग में व्यर्थ विचार, आलस्य, अलबेलापन आदि की संकल्पनाओं को हम अपवित्र नहीं समझते थे। अभी शिव बाबा ने अपवित्रता के विषय में बहुत सूक्ष्म शिक्षाएं दी है। जैसे पहला, अपने व दूसरों के देह में लगाव व झुकाव रखना, यह भी अपवित्रता है। बाबा ने इसको महापाप व बड़ा कुसंग कहा है। दूसरा, संगम युग में ब्राह्मण बनने के बाद भी पुरानी तुच्छ बुद्धि के स्वभाव, संस्कार तथा आसुरी कर्म हम छोड़ते नहीं, सदा बाहर मुक्ता में रहते पुराने सर्व संबंध संपर्क में बुद्धियोग लगाकर निभाते रहते हैं। बाबा कहते हैं, ऐसे बच्चे मुझे याद भी नहीं करते तो पवित्र कैसे बनेंगे? तो यह हुई अपवित्रता। तीसरा, अभी समय बहुत थोड़ा है, हमें तो सारे कल्प की कमाई करनी है, लेकिन हम बच्चे अलबेलापन आलस्य से अपना सारा समय व्यर्थ कर्म, व्यर्थ बोल, व्यर्थ सोच में गवाते हैं और योग बल से पवित्रता की शक्ति लेकर अपनी प्राप्तियां नहीं कर सकते। यह व्यर्थ भी अशुद्धि तथा अपवित्रता है। चौथा, अभी हम भगवान के बच्चे बने हैं, साधारण नहीं, अनन्य बच्चे हैं। इसका एहसास भी अगर हमें नहीं रहता है तो हमारी दृष्टि, वृत्ति, कृति साधारण ही रह जाती है। ऐसे बच्चे संपूर्ण पवित्रता की डिग्री नहीं प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा, कार्य व्यवहार में हम अलग अलग स्वमान में रहते हैं। जैसे मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ,
आदि, इससे हमारी आत्मिक स्थिति रहती है एवं अपवित्रता खत्म हो जाती है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, यह स्वमान की युक्ति पवित्रता के लिए बहुत अच्छी है। हम सदा इस स्वमान में रहेंगे तो पवित्रता सहज ही हमारा स्वधर्म हो जाएगा और पवित्रता के वाइब्रेशंस हमारे आसपास फैलते रहेंगे। इससे हमारा शरीर, मन, बुद्धि, संस्कार, वृत्ति पवित्र होती जाएगी और हमारे संबंध संपर्क में आने वालों को भी पवित्रता की अनुभूति होने लगेगी, जैसे कि उन्हें यह वरदान मिल रहा है। इसलिए बाप दादा ने कहा है, सदा अपने स्वमान के आसन पर स्थित होकर हर कर्म करो तो सहज पवित्रता के वरदानी हो जाएंगे। अगर हम सदा इस स्वमान में नहीं रहेंगे तो हमारी अपवित्रता कब खत्म होगी? हमारी आत्मा में अनादि आदि गुण कब आएंगे? गोया हम अपवित्र ही रहेंगे, इसलिए निरंतर स्वमान में रहना महत्व का है। इस तरह सदा स्वमान में रहकर हमें अपवित्रता निकालते रहना है और अब परम पवित्र फरिश्ता बनना ही है। सब टॉपिक है शांति अर्थात शांति की शक्ति। ज्ञान पवित्रता के बाद तीसरा अति महत्व का अनादि गुण है शांति। आज सारे विश्व में हर एक को शांति चाहिए, क्योंकि सभी आत्माएं अशांत है। विश्व का सारा माहौल अशांत है। मनोवैज्ञानिक, तत्ववेत्ताएं, धर्मात्माएं सभी शांति की खोज में है। लोग कितने सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस आदि करते हैं, लेकिन किसी को भी आज तक सच्ची शांति नहीं मिली है और कभी मिलने वाली भी नहीं है, क्योंकि सच्ची शांति स्थापन करने वाला शांति का सागर एक परमपिता परमात्मा ही है। उसके सिवाय कोई भी विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकते हैं। शिव बाबा ने हमें ओम शांति का मंत्र सिखाया है। उसका मतलब है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति के सागर परमपिता परमात्मा की संतान हूँ और शांति धाम की रहने वाली हूँ। हम हर कार्य की शुरुआत विशेषतः संगठन में ओम शांति से करते हैं। इससे चारों ओर का अशांति का व हलचल का वातावरण खत्म होकर शांति का वातावरण बनाए रखने में मदद मिलती है। वायुमंडल में शांति की तरंगे फैलती रहती है और हमारे अंदर की शांति की शक्ति बढ़ने लगती है। शांति का महत्व। हमारे जीवन में शांति का बहुत महत्व है। हम आत्माओं का स्वधर्म है शांति। एकाग्रता की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति आदि शक्तियों का आधार शांति की शक्ति है। शिव बाबा से प्राप्त सर्व प्राप्तियां अर्थात सर्व अनादि आदि गुण, सर्व शक्तियां, खजाने, दुआएं, वरदान, सहज ज्ञान, राजयोग आदि शांति की शक्ति द्वारा ही हम प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमत के अनुसार पुरुषार्थ द्वारा
तथा शांति की शक्ति द्वारा कल्प पहले वाले हमारे दैवी संस्कार इमर्ज हो सकते हैं। वह स्मृति आती है कि यही देवता मैं थी, फिर बनने वाली हूँ। इससे हमारा देवता स्वरूप हम अपने में अनुभव करने लगते हैं और हम वैसे बनते हैं। एकाग्रता के साथ शांति की शक्ति से ही विज्ञान के अंदर व कंप्यूटर आदि क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई है। शांति की अनुभूति। शांति की शक्ति का आधार है श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प। इससे ही हमें शांति की सच्ची अनुभूति होती है तथा सदा आत्मिक स्थिति में रहने से शांति का अनुभव होता है। वह शांति धाम में शांति सागर के पास सदा रहने से भी हमें सच्ची व गहन शांति की अनुभूति होती है। इससे शांति की शक्ति की प्राप्ति होकर हम शांति देवा, शांति दूत व मास्टर शांति का सागर बन सकते हैं। इन स्वमान में रहकर सामने वाले क्रोधी व्यक्ति को शांति की शक्ति द्वारा शांत कर सकते हैं। हमारे शांति के वाइब्रेशन से तथा शांति की सकाश से वह व्यक्ति सहज शांत स्वरूप बन जाता है। मैं शांति देवा हूँ। मुझे अशांत, बेचैन, दुखी आत्माओं को शांति का अनुभव करा के उन बेचारों को सुखी शांत बनाना ही है। इस प्रतिज्ञा से हम अगर मनसा सेवा करते रहेंगे तो सारे विश्व में धीरे धीरे शांति का माहौल बनता रहेगा और अंतिम समय में शांति के लिए भटकती हुई आत्माओं को शांति की अनुभूति हो जीवदान मिलेगा। शांति सागर शिव पिता ने सिखाया है। शांति की शक्ति द्वारा अगर हमें शांति की सिद्धि प्राप्त हो गई एवं अंदर से योग बल से हम संपूर्ण शांत होने लगे तो सदा शांति की वाइब्रेशंस हमारी आत्मा से बाहर निकलती रहेगी। हमारे चारों ओर का वायुमंडल शांत शांत होगा। हमारे और हमारे साथ रहने वाली आत्माओं के पुराने कड़े स्वभाव संस्कार खत्म होने लगेंगे। वे शांत होकर उनके व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ बोल और व्यर्थ कर्म समाप्त हो जाएंगे। शांति सागर के हम बच्चे शांति का कुंड, शांति का चुंबक तथा शांति के वरदाता भी हैं। सारे विश्व में अशांति का, परेशानी का, सूक्ष्म बेचैनी का, सूक्ष्म प्रदूषण वायुमंडल में जो फैला हुआ है उसका परिवर्तन संगठन शक्ति के योग द्वारा सुख, शांति, चैन के वातावरण में करने का इशारा बाप दादा ने हमें दिया हुआ है। इसलिए सर्वत्र ज्वाला स्वरूप योग भट्टियों की अभी से जरूरत है। तो अंतिम समय में गहन शांति का वायुमंडल चारों ओर धीरे धीरे फैलता रहेगा। अतः शांति सुख की स्वर्ग की स्थापना विश्व में हमारे द्वारा सर्वश्रेष्ठ शांति देवा शिव बाबा सहज कराएगा। अभी शिव बाबा चाहते हैं कि हम शांति दाता बने व शांति की शक्ति से इतना भरपूर हो
कि हमारी स्मृति, स्थिति, वृत्ति, दृष्टि व कृति से शांति की वाइब्रेशंस सदा बाहर प्रस्फुटित होती रहे और सारे विश्व की सभी आत्माओं को सदा शांति की अनुभूति होती रहे, क्योंकि हम पूर्वज आत्माएं मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ के जड़ों में शांति के लिए तपस्या कर रहे हैं। अगर हम शांत स्वरूप बनेंगे तो संसार की सभी आत्माएं शांत हो जाएंगी। अगर हम अशांत हलचल में सदा रहेंगे तो उनकी भी अशांति हलचल बढ़ेगी। यह ध्यान में रख अब हमें निरंतर अव्यक्त स्थिति में शांत रहना है। हमारे अंदर शांति की शक्ति है ही, लेकिन अभी वह बढ़ानी है। इसके लिए हमें तपस्या करनी है। हमें शांति का फरिश्ता बन सदा शांत स्वरूप स्थिति में तथा शांति सागर के साथ कंबाइन रहकर शांति की सकाश देने की मनसा सेवा अमृत वेले योग के बाद तथा नमः श्याम योग में करते रहना है। इससे हमारी शांति की शक्ति बढ़ेगी, शांति की सिद्धि प्राप्त होगी और शांति सागर परमात्मा की प्रत्यक्षता करने के लिए अंतिम समय में हम ईश्वरीय सेवाएं सहज कर सकेंगे। ओम शांति।